चकराता के कोरुआ गांव में बूढ़ी दिवाली यानी जौनसारी दिवाली का समापन हो गया है। जौनसारी दिवाली की भी अपनी अलग परंपरा है। इसमें गांव का सियाणा गांव के मुखिया को कहा जाता है, वह गांव का मुख्य व्यक्ति होता है और उस व्यक्ति को हिरण पर बिठाया जाता है और वह हिरण के ऊपर बैठकर तलवारों से नृत्य करता है और नीचे जो व्यक्ति होते हैं उन्हें दिशा देते हैं, आगे चलते रहते हैं, उन्हें हिरण की टांग कहा जाता है और सियाणा द्वारा तलवारों से नृत्य किया जाता है। गांव के तमाम लोग इस नृत्य को देखते हैं। हिरण के बाहर चार लोगों द्वारा नृत्य किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये उस हिरण की रक्षा करते हैं और इसके बाद हास्य नाटक किए जाते हैं जो किसी गांव के व्यक्ति के किसी भी हास्य घटना पर आधारित नाटक बनाए जाते हैं। इसे जौनसारी भाषा में खेलुतू कहा जाता है। इस दिवाली में एक दिन अखरोट को फेंका जाता है। अखरोट ग्राम वासियों के द्वारा गाँव को दिए जाते हैं। इसे अखरोट की वर्षा भी कहा जा सकता है। ये ग्रामीणों के बीच में बहुत सारे अखरोट गांव वासियों द्वारा फेंके जाते हैं तथा इसे लोगों द्वारा उठाया जाता है। ये दिवाली जौनसार बाबर जनजातीय क्षेत्र में ही नहीं बल्कि हिमाचल के सिरमौर जिले के आधे क्षेत्र में मनाई जाती है। श्रमिक मंत्र के लिए चकराता से संवाददाता राहुल चौहान की रिपोर्ट।